Assalamualaikum, I hope आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था किस तरह से आप एक गिग बनाएंगे, गिग थंबनेल बनाएंगे और किस तरह से ऑफर को सेटअप करने के बाद पोस्ट करेंगे और क्या क्या उसके अंदर मेथड है, किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर अभी तक वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली प्रपोजल क्रेडिट्स के अबाउट, क्योंकि अभी हम शुरू करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप हंटिंग करोगे, प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करोगे, बिडिंग करोगे या प्रपोजल सेंड करोगे, उस बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को प्रपोजल क्रेडिट्स का पता होना चाहिए। प्रपोजल क्रेडिट्स क्या होते हैं? प्रपोजल क्रेडिट्स बेसिकली पीपल पर आवर की आप करेंसी कह सकते हैं कि जिसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक मंथ के अंदर आपको 15 प्रपोजल क्रेडिट्स मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि एक मंथ के अंदर आप 15 जॉब्स पे ही अप्लाई कर पाओगे। इससे ज़्यादा जॉब्स पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको प्रपोजल क्रेडिट्स बाय करने पड़ेंगे, राइट। और इसके साथ साथ अगर आपके पास प्रपोजल क्रेडिट ख़त्म हो गए, एक मंथ के आपने 15 यूज़ कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपको फिर से 15 मिल जाएंगे। तो इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन आपको कहाँ पे नज़र आता है। अगर आपको मज़ीद प्रपोजल क्रेडिट्स बाय करने हैं तो आपको क्या करना होगा और कितने में आपको कितने प्रपोजल क्रेडिट्स मिलते हैं, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखिए, हमें सिंपल जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं डैशबोर्ड का। सिंपल अपनी डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे देखें, प्रपोजल क्रेडिट्स 15 अवेलेबल हैं। इसका मतलब है कि इस मंथ में आपको 15 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा या माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर ये 15 हम इस मंथ यूज़ नहीं करते तो क्या नेक्स्ट मंथ हमें जो 15 मिलेंगे तो हमारे पास टोटल 30 प्रपोजल क्रेडिट्स हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपके पास 15 ही रहेंगे। अगर आप ये यूज़ कर लो तो दैट्स फाइन, अगर नहीं करोगे तो ये वैनिश हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ के 15 ही आपको मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, ये मुझे ले जाएगा कुछ इस तरह के सेटअप के ऊपर और यहाँ पे देखें, मुझे ये शो करवा रहा है कि आपको इस तरह से क्रेडिट्स मिल सकते हैं। जैसे 7.95 पाउंड के अंदर आपको 5 प्रपोजल क्रेडिट मिलेंगे, मतलब 5 आप एक्स्ट्रा जॉब से अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे प्राइजेज हैं। और यहाँ पे देखें, 29 पाउंड के अंदर आप 50 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट जॉब्स के अंदर। तो सिंपल आप ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपनी कार्ड की डिटेल देंगे और यहाँ पे नाउ कर देंगे। अब अगर आपको बाय करने हैं ये प्रपोजल क्रेडिट्स और आप लोगों के पास किसी किस्म का कार्ड नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि नया पे का जो कार्ड है वो किस तरह से बनाना है और किस तरह से उसको यूज़ करना है बाइंग या परचेजिंग के लिए। तो वो बहुत ही सिंपल मेथड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं। तो ये थे प्रपोजल क्रेडिट्स और किस तरह से काम करते हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बाकी रहा होगा प्रपोजल क्रेडिट्स के अबाउट पीपल पर आवर में। स्टिल कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते।